Hello guys, Explorer Rider here. So today I made video for that how to do you PDI for your car. So PDI में क्या है कि मतलब आप जब गाड़ी मतलब जो बुक किया आपके नाम पे गाड़ी अलॉट हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PDI करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार मतलब वो डिलीवरी टाइम के PDI के क्या होता है कि आपका मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है. सो उस टाइम पे अगर कोई गाड़ी में दिक्कत होगा ना, तो गाड़ी मतलब शोरूम वाले आपका गाड़ी रिपेयर करके देगा, शोरूम का स्टॉक पे आपका गाड़ी आएगा. तो उस टाइम पे आप अगर PDI कर लेंगे, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगा, कोई डिफेक्ट होगा, तो आप गाड़ी उस टाइम पे कैंसिल कर सकते हो. बट अगर आप शोरूम पे मतलब डिलीवरी के टाइम PDI करोगे ना, उस टाइम पे क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा. सो दिस टाइम मतलब शोरूम ओनली रिपेयर द कार. सो दैट द थिंग. सो प्लीज डू योर PDI when the car is allotted on your name. So this is the thing. So PDI में first of all आपको क्या करना है कि आपका मतलब जो VIN मतलब vehicle identity number जो है वो चेक करना है. मतलब उससे आपको मिलेगा कि मतलब गाड़ी का कब मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब मैन्युफैक्चर ईयर एंड मैन्युफैक्चर मंथ. सो टाटा का इधर मिलता है, इस साइड पे 16 डिजिट का नंबर है, उस पर 10 डिजिट जो है अल्फ़ाबेट वो होगा ईयर रिप्रेजेंट करेगा, और 12 डिजिट जो है हुआ वो होगा आपका मतलब मंथ. सो मेरे गाड़ी पे देखिए, इस साइड पे ये एन हो रहा है, ये जो एन हो रहा है, एक मिनट, ये एन मतलब 2022, एंड ये देखिए एक मिनट, सी मतलब है मतलब मार्च. सो मैंने ये गाड़ी एक्चुअली बुक किया था मार्च महीने में ही, 25 मार्च शायद. उसके बाद 5-8 दिन में ही मतलब ये फ्री स्टॉक का एक गाड़ी था, क्योंकि सो यही है, इसके लिए मैंने मार्च महीने में ही गाड़ी बुक किया था, एंड मार्च के 31 मार्च समथिंग लाइक दैट टाइम. सो गाड़ी बोला क्या है तो मैंने उस टाइम पे उठा लिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PDI करने के टाइम फर्स्ट आपको जो VIN मतलब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर मंथ क्या है वो आपको फर्स्ट देखना है. सो टाटा का इधर मिलेगा, मारुति का उस साइड पे मिलेगा, एंड हुंडई का शायद मतलब पीछे वाले जो कांच होता है वो उधर मिलता है. सो दैट इज़ द थिंग. एंड जो मतलब ये VIN का जो मतलब है, जो मतलब ईयर कैसे रिप्रेजेंट करेगा इन टाटा केसेस ओनली, मतलब टाटा गाड़ी का जो मतलब मैंने दिखाया ना, एन है मतलब 2022 एंड सी मतलब मार्च. सो इसका जो लिस्ट है मैं दे दूंगा वीडियो पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो देखना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा ये टायर, ठीक है. मतलब टायर का देखिए एक मिनट, ये देखिए, फेब्रुअरी लास्ट के और मार्च का फर्स्ट में, एक मिनट, फेब्रुअरी लास्ट नहीं होगा, मार्च का मिडिल में ये टायर हुआ मतलब मैन्युफैक्चर. सो ये चारों टायर का भी आपको देख लेना होगा. सो PDI में फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, मतलब गाड़ी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड मंथ, देन टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइम मैंने जो जैसे दिखाया, इधर भी ऐसे ही होगा. एक मिनट, ये देखिए 10/22, इधर भी सेम है. सो ये आपको देख लेना होगा. देखिए ये जो नंबर है इसके नीचे ही होगा, ठीक है, एपेलो में, इमारत में भी ऐसे ही होता है. सो उसके बाद आपको देखना होगा गाड़ी का जो फ्लोरिंग है, ये एक बार आपको उठा के देखना होगा कि इस साइड में कुछ रास्ट वगैरह कुछ है कि नहीं. तो ये एक थिंग. उसके बाद एक्सटीरियर में आपको एक बार देखना होगा पूरा गाड़ी, मतलब ऐसे हाथ दे के थोड़ा सा, ये गाड़ी में कुछ रिपेंट हुआ है कुछ क्या, अगर हो सकता है ना गाड़ी में मतलब जहाँ से आता है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ मतलब स्क्रैच वगैरह लगता है क्या नहीं. सो उस टाइम पे भी अगर मतलब गाड़ी में कुछ स्क्रैच लगा सो वो भी शोरूम मतलब रिपेंट करके आपको दे सकता है. सो ये इसके लिए देखना होगा. एक चीज़ आप देखना, मतलब ऐसे आपको मतलब रुक जाना ना, ये देखिए एक मिरर इफेक्ट आ रहा है, तो ये एक बार आप पूरा गाड़ी में एक बार देख लीजिए, मतलब ये टोटल मिरर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, स्पेशली बम्पर के साइड पे, क्योंकि बम्पर में ही मतलब स्क्रैचेस आने का चांसेस ज़्यादा है.
ये पांच में तो ये नीचे वाला तो बैक कलर में है, अगर नेक्सन फिक्सन हो और क्या दूसरे कार में तो बॉडी कलर बम्पर आ गया, तो आप वो देखना होगा। एंड बोनेट एक बार देख लेना, मतलब ये स्पेयर व्हील एवरीथिंग ये सब मिलेगा कि नहीं, मतलब ये सब सही है। ये टोटल गाड़ी का मतलब ये जो है इस साइड टोटल आपको देखना होगा एक बार। सेकेंड थिंग, गाड़ी का इंटीरियर आपको देखना होगा पूरा, ये पूरा ठीक है कि नहीं, मतलब पूरा डिटेल में आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड करना होगा, एक बार पूरा चेक करना होगा गाड़ी ठीक है कि नहीं। ये फ्रंट ग्लास में जो है इधर ये देखिए, ये भी एकदम एग्जैक्ट इंटैक्ट होना चाहिए, ये पूरा आपको देखना होगा फ्रंट ग्लास का। ये बोनेट का जो गैपिंग है इस साइड पे सेम होगा क्या, सो ये सब देखना होगा। एक बार इंजन बे भी आपको देखना होगा, मतलब एक मिनट। ये टोटल पूरा इंजन, मतलब इंजन बे भी देखना होगा। इधर ये फ्लूइड, ये तो वाशर फ्लूइड है, ये ठीक है। ये बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग या इधर भी होगा, सो ये सब एक बार देखना होगा। इंजन का कंडीशन आपको देखना होगा, इंजन मतलब इंजन भी टोटल आप एक बार देख लेना, इधर कोई कुछ दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, मतलब ऊपर से आपको देख लेना होगा। सो कोई भी डीलरशिप आपको, मतलब जब तक आप गाड़ी का पेमेंट नहीं करते हो तो गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव नहीं देगा। टेस्ट ड्राइव अगर देगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं देगा वो भी चलेगा, क्योंकि पूरा नया गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आपको पूरा चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो यही बात है, इधर भी होगा, मतलब ये देखिए इधर भी है, मतलब जो VIN मतलब केसेस नंबर, सो टाटा का और मारुति का इधर मिलता है, ऐसे इस साइड पे मतलब कोई भी मिलता है। एंड टाटा का तो मैंने दिखा दिया फ्रंट डोर पे, तो यही है। और एक बार गाड़ी का टोटल पूरा ओवरव्यू आपको ले लेना होगा, ये डैशबोर्ड भी आपको देखना होगा एक बार, ये डैशबोर्ड पूरा इंटैक्ट मतलब है कि नहीं। ये ग्लाव बॉक्स पूरा देखना होगा, ये गियर शिफ्ट ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब एक बार। अगर स्टॉक ईयर में आप गाड़ी चेक कर रहे हो तो उस टाइम पे गाड़ी शायद ही आपको स्टार्ट करने के लिए दे, तो अगर देगा तो आप एक बार एसी भी चेक कर लेना। एंड EPS पावर स्टीयरिंग, मतलब ओवरऑल गाड़ी आपको एक बार चेक कर लेना होगा। सो मेन मेजर थिंग इज दैट कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, और ये इंजन भी आपको एक बार मतलब ठीक से देखना होगा। ये प्लीज़ डू योर PTI व्हेन मीन्स यू टेक योर कार फ्रॉम योर शोरूम, क्योंकि मतलब ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए पहले आप ये कर लो, एक दिन टाइम निकल के 2-3 घंटे का एक बार देख लो, यही है। मेरे PTI में एक ही इशू था, ये जो लेफ्ट साइड का ये है, मतलब ये लाइट रेयर टेल लाइट, सो इसमें गैपिंग था। सो मैं PTI पे बोला था, वो बोला क्या डिलीवरी के टाइम पे ये ठीक करके देखा, बट डिलीवरी के टाइम पे ये भी ठीक नहीं करके दिया। सो फास्ट सर्विस में मैं ये ठीक कराया, ये मतलब ये जो है ये इसमें गैपिंग था पूरा, मालूम नहीं क्यों, बट ये मतलब इसमें बॉडी का कोई दिक्कत नहीं था, ये सिर्फ लाइट के एडजस्टमेंट का दिक्कत था, इसलिए मैंने मतलब ठीक है चलो इट्स ओके। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द टोटल PTI, मतलब हाउ टू डन योर PTI इन योर कार, स्पेशली टाटा और हुंडई में भी, मतलब हुंडई मारुति सब में भी ऐसे ही होता है, बट हुंडई का जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो VIN जो चेसिस नंबर है वो किधर है वो एक्चुअली आई डोंट नो। सो दिस इज द थिंग, थैंक यू।